प्रदेश सरकार व वन विभाग जंगली जानवरों के आतंक से निजात नहीं दिला पा रहे हैं। जंगली जानवर खेती को तबाह कर रहे हैं तथा खेतों में काम कर रहे किसानों को भी चोटिल कर रहे हैं। सरकार व विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया तो किसानों ने खेती को बचाने के लिए कपड़ों की बाड़ लगाकर जुगाड़ का सहारा लिया है। किसानों ने बताया कि जंगली सुअर, शौल तथा बंदर खेती को तबाह कर रहे हैं। आलू, गड्डेरी, प्याज की खेती को बचाने के लिए किसानों ने अपने खेतों को धोती और साड़ी से चारों ओर से बैरिकेड कर दिया है। हालांकि किसानों का यह जुगाड़ भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। जंगली जानवरों के आतंक से निजात नहीं दिलाई गई तो पहाड़ में खेती करने वाले किसानों को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। जंगली जानवर हमारे ग्राम, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, ये जंगली जानवरों की वजह से जो हमारे किसान भाई हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन जब फसल पकती है उस समय बिल्कुल हजारों की संख्या में यहाँ बंदर आते हैं और लंगूर आता है, सुअर का आतंक यहाँ है और शौल का आतंक यहाँ पर है। लोग आलू बोते हैं तो जब फसल पूरा नष्ट कर जाते हैं, एक भी ऐसा खेत का ऐसा कोना नहीं छोड़ते हैं जिसको वो खोद निकालते हैं। और गडरी तो यहाँ पर लोग अब भूल गए हैं, गडरी और पिनालू बोना यहाँ पर भूल गए हैं। और सिंचाई की ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ पूरे ग्राम सभा में, हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में MIC सिंचाई होती है, लेकिन पिछली बार से तो अब थोड़ा बहुत फंडिंग की व्यवस्था हो रही है, लेकिन यहाँ पूरे नहर जो है 10-15 साल बने हुए हैं और सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और बंदरों का तो अब ये मैं क्या बताऊँ आपको, बंदरों ने पूरे यहाँ से ऐसा प्लान हो गया है, पूरे जो हमारे बेरोजगार लड़के थे वो जो खेती पाती करके अपने जीवन यापन करना चाहते थे, उनको मजबूरन यहाँ से प्लान करना पड़ रहा है। मैंने पिछली बार दिशा की बैठक में गया था, मैंने DM साहब के संज्ञान में भी वहाँ पर बैठक में बोला कि MIC हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में सिंचाई की व्यवस्था होती है, कृपया मैं जिलाधिकारी महोदय से और सरकार से निवेदन करूँगा कि वो लघु सिंचाई की नहरें, उनका जो हेड टूट चुके हैं, जगह जगह नहरें लीकेज हो गई है, उनको दुरुस्त करने की कष्ट करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। जंगली जानवर का तो ये मतलब पूरा प्लान हमारे यहाँ जो विभाग जो है, वन विभाग उसको देखे, गाँव में उनकी सुरक्षा का इंतजाम हो, गाँव की चार दीवारियाँ बनाई जाएँ और विभाग उसमें पूरा रेख देख करे तो बहुत इसके मतलब समाधान हो सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब जुगाड़ क्या है, वो मजबूरी है लोगों की। अब आदमी मेहनत करता है, वहाँ पर बीजाई करता है, सिंचाई करता है, जुताई करता है और उसमें बीज में खर्च करता है, तो उसको सुरक्षा के लिए उसको अल्टरनेट क्या व्यवस्था है, लोगों के अपने कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, उनको अपने खेतों को घेरता है, वो भी अल्टरनेट व्यवस्था है। अगर जानवर को ये पता चला कि इससे नुकसान नहीं है, उसको भी फाड़ फूड़ के वो साफ कर देंगे और नुकसान कर देंगे। बचाव के लिए क्या जाते हैं जंगली जानवर, सुअर और शॉल होता है हमारे यहाँ ना, और बंदर भी है, इनका आतंक है यहाँ, कोई कुछ मदद अभी तक तो कोई मदद नहीं है, छोड़ दिया हमको तो 10-12 साल हो गए छोड़े हुए, अब नहीं कर रहे हैं अपना ये जंगली जानवर के आतंक से। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।